तो कैसे आप लोग लोग तब तो रटा 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 लोग लोग तब तो रटा 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 आपको बताया पूरे फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे ज्यादा लकीएस्ट यूट्यूबर कौन है। अब हाँ, मैंने इस टॉपिक पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना रखी, लेकिन आज के इस वीडियो में जो यूट्यूबर्स के बारे में बात करूंगा ना, वो भाई बिल्कुल ही यूनिक है। क्योंकि जब मैंने ये वीडियोस बनाई थी लकीएस्ट यूट्यूबर वाले, तब चालू था ओल्ड फ्री फायर, तब मैंने ओल्ड फ्री फायर के फैक्ट्स कवर किए थे। लेकिन अभी ओल्ड फ्री फायर तो जिंदा बचा है नहीं भाई, ये तो न्यू फ्री फायर है। तो न्यू फ्री फायर में न्यू लकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई? मैं गारंटी देता हूँ आज की इस वीडियो में जितने बंदों के नाम लेने वाला हूँ ना, आपको शायद ही पता होगा कि ये बंदे इतने लकी है, और उनकी लकीनेस के फिर जानोगे ना आप बोलोगे बाप रे सच में यार ये बंदा कसम से बहुत लकी है। आज की इस वीडियो में ऐसे लकी यूट्यूबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, सो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का एंड देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ बच्चे की तरह होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को हम लाइक रखते हैं 10K लाइक्स का, जो मुझे पता है आप लोग आराम से कमेंट करा सकते हो, तो प्लीज करवा देना। और अगर आप जीडब्ल्यू चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लकीएस्ट यूट्यूबर नंबर 5, जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया में भाई फ्री फायर बैन हुए 1.5 साल हो चुका है, और उस 1.5 साल के अंदर ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स थे जिनको फ्री फायर बैन के पहले इतने अच्छे व्यूज आया करते थे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला करता था ऑडियंस की तरफ से, और उनका ट्रेंड हुआ करता था फ्री फायर कम्युनिटी में। लेकिन फ्री फायर बैन के बाद से ट्रेंड भी खत्म हो गया, गेम का भी, यूट्यूबर्स का भी, और व्यूज तो आपको पता ही है, व्यूज तो आसमान से जमीन के अंदर धस चुके हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा ऐसा है जो कि पहले इंडियन सर्वर में ही रहा करता था, लेकिन जैसे ही फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ, गरीना वाले ने सोचा कि भाई ज्यादा नुकसान हो चुका है और नुकसान नहीं करेंगे, तो उन बंदों को भाई उठा के उसने दूसरे सर्वर में डाल दिया, और उन पर्टिकुलर बंदों में से वो यूट्यूबर भी था। और गाइस उस बंदे की किस्मत देखो, जैसे ही इंडियन सर्वर को छोड़ के दूसरे सर्वर में गया, उसको आज के टाइम पे भी लाखों में व्यूज आते हैं। जहां पे बात करूं टोंडे गेमर की, टोंडे गेमर नेपाल का बंदा है, शुरुआती टाइम से इंडियन सर्वर में ही खेला करता था, लेकिन जैसे ही फ्री फायर बैन हुआ इंडिया में, गरीना वालों ने जितने भी नेपाल के जो प्लेयर्स है उसे उठा के बीडी सर्वर में डाल दिया। अब भाई बांग्लादेश और नेपाल में है नहीं फ्री फायर बैन, तो भाई वो मजे से गेम खेल रहे हैं। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदा सच में इतना ज्यादा लकी है, इंडियन सर्वर में तो भाई पीसी प्लेयर्स बैन है, आप जो पीसी में खेलते हो उनकी रैंक में मैच मेकिंग लगेगी ही नहीं, लेकिन बीडी सर्वर में तो ऐसा है नहीं, वो बंदा आराम से पीसी में खेलता है, दिन के 2 कंटेंट बना के अपलोड करता है, और सभी कंटेंट में लाखों व्यूज लेके जाता है। अब गाइस वो रेगुलर कंटेंट इसलिए अपलोड कर पाता है क्योंकि उसके सर्वर में पीसी प्लेयर बैन नहीं है, और उस बंदे को पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है पीसी में कंटेंट कैसे बनाना है, तो हर दिन वो 2 वीडियोस अपलोड करता है, और दोनों ही वीडियो में अच्छे खासे लाखों व्यूज आ जाते हैं। वही इंडिया के अगर आप टॉप यूट्यूबर्स को भी उठा के देख लो, वो रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं करते, टोटल गेमिंग देसी गेमर्स कोई भी रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं करता है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कंटेंट हो चुका है, कंटेंट की कमी हो चुकी है। जस्ट इमेजिन करो अगर टोंडे गेमर जो है वो नेपाल से नहीं होता, अगर वो इंडिया में शिफ्ट हो जाता कभी, तो भाई उसे भी पीडी सर्वर में नहीं डाला जाता। और भाई टोंडे दाई की भी हालत हमारे जैसी होती, जिस तरीके से हमारे इंडियन यूट्यूबर्स की हालत है ना, वैसे ही सेम हालत टोंडे दाई की भी होती है। ये चीज तो मानना पड़ेगा यार, टोंडे गेमर मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन ये जो फीट है ना लकीनेस वाली, वो अलग ही लेवल पे, इसे आप मेहनत से कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लकी नहीं होते तो दूसरे सर्वर में जाते नहीं, और दूसरे सर्वर में नहीं जा रहे तो वही भाई पीसी प्लेयर बैन रहता, कस्टम की वीडियो बनाते रहते। और आज के टाइम पे कंटेंट देखने के लिए टोंडे गेमर के सिवाय किसी का कॉम्पिटिशन है ही नहीं, क्योंकि कोई भी पीसी में कंटेंट बना ही नहीं सकता टोंडे जैसा। इंडिया में कॉम्पिटेटर है टोटल गेमिंग हो गए, देसी गेमर, ये सब कॉम्पिटेटर है, लेकिन ये तो बना ही नहीं पा रहे हैं। तो समझ रहे हो ना टोंडे भाई बहुत लकी हुआ, लकीएस्ट यूट्यूबर नंबर 4। अब टोंडे दाई की बात करेंगे, और यहाँ पे अनग्रेजुएट गेमर नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? अब रिसेंटली अनग्रेजुएट गेमर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है तो उनकी मेहनत से, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका उनकी किस्मत ने दिया है ना, इसे लकी ही कहेंगे। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, अनग्रेजुएट गेमर के गेम में एक बंदा आ गया था जिसकी स्ट्रीक थी 143। अब गाइस 143 स्ट्रीक का मीनिंग होता है कि उस बंदे ने लगातार क्लैश कोड रैंक में 143 मैच जीते हैं। लगातार 143 मैच जीतना भाई आसान बात नहीं होती, लेकिन वो बंदा जीता था, और वो बंदे की गलती हो गई कि वो अनग्रेजुएट गेमर के अपोनेंट में आ गया। और सिर्फ उसी बंदे की स्ट्रीक अच्छी नहीं थी, उसके टीममेट्स की स्ट्रीक काफी अच्छी थी, लेकिन भाई आप आयुष भाई की किस्मत देखो, उस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया क्योंकि उन्होंने सामने वाले बंदे की स्ट्रीक ही तोड़ दी। मींस सामने वाले बंदों को 143 स्ट्रीक वाले बंदों को उन्होंने हरा दिया। काफी सारे लोग कहेंगे भाई वो तो उनके स्क्वाड और उनके गेम प्ले के मदद से हुआ, चलो ठीक है गेम प्ले उनका अच्छा मैं मानता हूं, अगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, अगर वो लकी नहीं होते, तो क्या उनके अपोनेंट में 143 स्ट्रीक वाला बंदा आता? अरे नहीं भाई, ऐसा ही बोलोगे आप, मुझे पता है। सच बात कहूं तो आज तक मेरी 9 के ऊपर स्ट्रीक नहीं गई, यहां पे 143 स्ट्रीक कैसे कर लेते हैं बंदे। लकीएस्ट यूट्यूबर नंबर 3। अब गाइस हाल फिलहाल में एक बंडल काफी ज्यादा पॉपुलर और वायरल हो रहा है, वो है व्हाइट ट्रोल 4 का ब्लैक बनी बंडल। अब ये जो ब्लैक बनी बंडल है इसके बारे में तो आप सभी को पता है, मैंने इस पे कई बार वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया है ब्लैक बनी बंडल के बारे में, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद पक चुका हूं। अब वैसे आप सभी को पता है कि ये ऑफिशियली हमारे इंडियन सर्वर में आया नहीं है, और गरीना फ्री फायर ने पार्टनर्स को भी भेजा नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली पार्टनर हूं, मेरे को व्हाइट ट्रोल 4 का बंडल मिला नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक यूट्यूबर है जिनका नाम है बैज 99, इनके पास ये बंडल
मेटल कैसा है, क्योंकि इंडिया के ही बंदे हैं और ये इंडियन सर्वर में ही खेलते हैं, और इनके जो आईडी में वाइट ट्रफल का बंडल मिला है, ब्लैक बनी बंडल, वो भी इंडिया ने सर्वर के आईडी में ही मिला है। अगर दूसरे सर्वर के आईडी में होता तो मैं सोचता चलो भाई दूसरा होगा, वो दूसरे सर्वर में आते रहता है, इंडियन सर्वर में तो आया नहीं। बट गाइस यहां पे ट्विस्ट ये आता है कि उनके सर्वर इंडियन सर्वर में उनको वो ब्लैक बनी बंडल मिला है, और जब मैंने मॉडरेटर से पूछा कि भाई ये इनको कैसे मिल गया, तो मॉडरेटर ने कहा कि भाई हमें खुद नहीं पता उन्हें कैसे मिला। पहले तो मुझे लगा शायद किसी मॉडरेटर ने उनको दिया होगा, बट यार वो तो खुद कह रहे कि भाई हमने नहीं दिया, हम एक पार्टनर क्यों देंगे, अगर हमको देने लगा तो सभी फ्री फायर के पार्टनर को देंगे ना, ताकि उस बंडल का प्रमोशन हो। तो फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि भाई बैच 99 ने कोई ग्लिच के मदद से निकाला है, यार बैच 99 इतना ज्यादा लकी बंदा है कि उसे कहीं ना कहीं से मिल ही गया। अब आप ऐसे काफी सारे लोग कहेंगे टोंडे गेमर के बारे में, भाई टोंडे दाई के पास भी तो है ये ब्लैक बनी बंडल, इसमें लकी क्या हो गया। अरे मेरे भाई टोंडे गेमर इंडिया सर्वर का नहीं यार, वो बीडी सर्वर का है, और बीडी सर्वर के जो मॉडरेटर है वो अलग है, इंडिया सर्वर के मॉडरेटर अलग है। बीडी सर्वर इवेंट पहले आता है, इंडिया सर्वर इवेंट बाद में आता है, तो हाई चांसेस ये है कि भाई बीडी सर्वर में शायद से वो बंडल आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो भाई बीडी सर्वर के मॉडरेटर अलग है, भाई वहां की इवेंट का टाइम अलग है इंडिया से। तो अब इंडिया के और बीडी को कंपेयर मत करो, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा अलग है गाइस, दोनों सर्वर का इवेंट टाइम बहुत अलग है। अगर आज बीडी सर्वर में कोई बंडल आ रहा है तो भाई इंडिया सर्वर में एक हफ्ते बाद आता है, और अगर इस चांस के बीडी सर्वर में नहीं आया है बंडल लेकिन टोंडे दाई के पास है, उसका साफ साफ मतलब ये है कि भाई टोंडे दाई को मॉडरेटर नहीं दिया है। अब प्लीज अब ये कोई कमेंट मत करना कि भाई से बैच 99 के पास नहीं है, अनग्रेजुएट गेमर के पास है, उसने वीडियो बनाया था। भाई वो दूसरे सर्वर की वीडियो बनाते हैं, बैच 99 निकलौता ऐसा बंदा है जिसके इंडियन सर्वर में जो वी बैच अकाउंट है उसमें उसे मिला है बंडल, दोनों में फर्क समझो। लकीएस्ट यूट्यूबर नंबर 2, भाई मैं काफी दिन से इसी बारे में बात कर रहा हूं कि वाइटर फोर का बंडल आया है, बंडल आया जिसने खुद की ग्लिच के मदद से बनाया था और उसका पर्टिकुलर बंडल था। बट एक और ऐसा बंदा है गाइस जिसका ऐसा खुद का पर्सनल फेवरेट ड्रेस था जो कि हमारे फ्री फायर गेम में आया, सिर्फ इकलौता वाइट ट्रफल ऐसा नहीं है। वाइट ट्रफल यूनिक इसलिए है क्योंकि वो जो बंडल है उसने खुद गेम में बनाया था, लेकिन जो अभी बंदा बताने वाला हूं उसने रियल लाइफ में पहना था उसे, और रियल लाइफ में इतना ज्यादा फेमस कर दिया उस ड्रेस को कि गैरेना फ्री फायर को उस बंदे से परमिशन लेके उसका पर्टिकुलर ड्रेस गेम में लाना पड़ा। तो वेल गाइस मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस जर्सी की, जिसे टी शर्ट भी कह सकते हो आप, और ये जो टी शर्ट है अगर आपको नहीं पता तो आपको बताता हूँ, ये ब्राजील का एक बहुत ही पॉपुलर ईस्पोर्ट्स प्लेयर है और एक यूट्यूबर भी है जिनका नाम है नोबरू, उसने एक ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट में इस टी शर्ट को पहन के खेला था। और बेसिकली जो टी शर्ट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का टी शर्ट है, तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे नोबरू, उसकी टी शर्ट इतनी पॉपुलर हो गई थी, फ्री फायर ने सोचा कि भाई ये जर्सी को हम गेम में लाएंगे काफी बिकेगा, और ऐसा हुआ भी। और आज के टाइम पे तो जर्सी रेयर भी नहीं और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे इस जर्सी की जो वैल्यू थी ना गाइज वो तो मैं बता नहीं सकता। और गाइज ये बात है 2020 की। अब फाइनली बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के लकीएस्ट यूट्यूबर की तरफ। और गाइज ये यूट्यूबर को लकी कहना एकदम 100% अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे ने मेहनत भी उतनी ही की है। अब आपने इंडियन सर्वर में काफी तरह से यूट्यूबर्स देखे होंगे, फिर बाहर के सर्वर में ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो कि अपना सॉन्ग लाते हैं, अपना खुद का पर्सनल सॉन्ग लाते हैं, अपने स्ट्रगल और जर्नी के बेस पे भी आखिर कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, वैसे ही सॉन्ग काफी सारे लोग लाते हैं, जैसे स्वयं ने कुछ साल पहले लाया था, फिर टोटल गेमिंग ने भी लाया था, बहुत से गाइस किस किस का नाम लू यहाँ पे मैं। देसी गेमर्स जो है इन्होंने अपना कुछ टाइम पहले सॉन्ग लाया था सपने, और उनपे ओवरऑल 11 मिलियन व्यूज है, जो कि इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी का मोस्ट व्यूड पर्सनल सॉन्ग है। इनफैक्ट टोटल गेमिंग जो सॉन्ग लाया था फायर उसमें खुद 7.7 मिलियन व्यूज है, लेकिन देसी गेमर्स का जो सॉन्ग है 11 मिलियन व्यूज, जो कि रिकॉर्ड भी है, और इसे लकी कहना 100% श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लकीनेस भी काम आती है। अब हाँ मुझे को ये बंदा कमेंट मत कर देना कि भाई टेक्नो गेमर्स के सॉन्ग में तो 85 मिलियन व्यूज है। अरे भाई मैं इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, टेक्नो गेमर फ्री फायर के यूट्यूबर थोड़ा है। गाइस होप करता हूं आप लोग आज को पसंद आया होगा, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।